फिरोजाबाद स्थित शिकोहाबाद NH2 हाईवे ऑरेंज की पुलिया के पास एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं हादसा देख लोगों में भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार इटावा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस शिकोहाबाद क्षेत्र के हाईवे रोड पर जा रही थी, तभी ऑरेंज की पुलिया के पास पहुंचते ही अचानक सड़क पार कर रहा साइकिल सवार सामने आ गया। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। बस खाई में गिरने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। बता दें, घटना के समय बस में 35 यात्री सवार थे। चालक राम रतन तिवारी निवासी बरलोकपुर थाना चौबिया इटावा ने बताया कि बस इटावा से दिल्ली जा रही थी, जिसमें सहायक चालक रवि कुमार और परिचालक देशभक्त शर्मा के अलावा 35 सवारियां सवार थी। तभी अचानक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर को तोड़ती हुई एक मकान को बचाती हुई बस खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस में सभी सवारियां सुरक्षित रहीं। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। तिवारी जी, ये हादसा किस वजह से, क्या वजह रही जो हादसा हुआ? वजह रही कि मैं इटावा से दिल्ली जा रहा था, तो बाईं साइड से दाहिनी साइड साइकिल वाला एकदम दरवाजा, और एकदम दरवाजे से उसे बचाया, उसके बाद पैदल चलने वाला आ गया, तो दोनों को बचा। और ब्रेक इतने इमरजेंसी ब्रेक थे नहीं जो गाड़ी खड़ी हो जाती, और इतनी ओवर स्पीड में भी नहीं थी, तीसरे गियर में गाड़ी टाप लगाने ही जा रही थी, दोनों को साइकिल वाला आ गया। कितनी सवारी थी इस गाड़ी के अंदर? करीब 35-36 सवारी थी। कोई घायल वगैरह कुछ जी? कोई घायल वगैरह सवारी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी की हटा दी कोई खबर नहीं, कोई किसी के खरोंच नहीं, कोई बात नहीं, सब सुरक्षित है, गाड़ी भी सुरक्षित है। कोलियरी कर्मचारी संघ के कठारा शाखा अध्यक्ष राजू स्वामी जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।